हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोनो पेंसिल्स, टॉम बॉय मोनो पेंसिल। ये मैंने Amazon से परचेज करी है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको HB से लेके 6B तक की पेंसिल्स के बारे में बताऊंगा। इसमें हमें 4H से लेके 6B तक की पेंसिल्स मिली है, लेकिन HB से लेके 6B तक के ग्रेडेशन में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि पेंसिल का टेक्सचर कैसा है। तो चलिए देखते हैं आगे, और उससे पहले एक इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये हमारा पैकेज है Amazon से। Amazon की पैकिंग तो बढ़िया ही होती है, और हम इसे अब कट कर रहे हैं। हम इसे काफी सेफ्टी से कट करेंगे, और इसमें दूसरी लेयर है ये पैकिंग की, और हम इसे धीरे धीरे कट कर रहे हैं। काफी अच्छे से पैकिंग करी गई है पेंसिल्स की। ये इसका बिल है, काफी अच्छी क्वालिटी है पेंसिल्स की, अच्छे बॉक्स में आई है जिसमें हम इसे सेफली रख सकते हैं। अब हम करेंगे ग्रेड टेस्ट। हम B पेंसिल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसमें रफ पेपर यूज किया है, और इसके ग्रेन्स काफी सही आ रहे हैं। मतलब मेरे को रफ ग्रेडेशन पसंद है, तो ये मेरे को अच्छी लगी पेंसिल्स, मतलब यूज में काफी अच्छी है। बाकी तो ये आपके हाथ के कंट्रोल के ऊपर होता है कि आपको ग्रेन्स ज्यादा चाहिए कम चाहिए। मैंने 2-3 बार इसकी लेयर करी है बी पेंसिल की, अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद हम HB पेंसिल यूज कर रहे हैं। बी और HB में ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल लेड काफी स्मूथ है। और आप देखेंगे कितना ग्रेडेशन आया है। नीचे जाते हुए मैंने थोड़ा लाइट पेंसिल को होल्ड किया था, उसके बाद मैं इसमें लेयर कर रहा हूं। HB भी काफी सही पेंसिल है। नाउ मैं 2B पेंसिल यूज कर रहा हूं। HB और 2B में भी मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा नहीं था, और मे बी शायद मैं हार्ड प्रेशर यूज कर रहा था इसलिए, बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ लेड इज वेरी गुड आई मस्ट से। उसके बाद मैंने इसमें 2-3 लेयर करी है। उसके बाद मैं 3B यूज कर रहा हूं। यहां हमें 2B से 3B में डिफरेंस मिल रहा है। 3B काफी डार्क पेंसिल है, और इसमें मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया है पेंसिल, और स्टिल हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिला है 3B में। और सारी चीज होती है आपके प्रेशर कंट्रोल में, कि आप कितना उसे हार्ड पकड़ रहे हैं, सॉफ्ट पकड़ रहे हैं पेंसिल को। और मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप स्टंप का यूज ना करें, जितना हो सके आप पेंसिल से उसे स्मूथ करें। उसके बाद हम 4B यूज कर रहे हैं। 4B 3B से थोड़ी डार्कर थी, और ओवरऑल मेरे को बी से 4B तक पे जो लेड की क्वालिटी मिली है वो काफी अच्छी है। अगर आपको टेक्सचर वर्क पसंद है तो आप टॉमबॉय पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और ये काफी बजट पेंसिल्स है। आपको 600 में कुछ 12 पेंसिल्स मिली है, और सेम आएगा आपको क्रेटा कलर्स की भी इतने में मिल जाती है, आएगा 100 रुपए ऊपर या 100 रुपए नीचे। उसके बाद हम 5B यूज कर रहे हैं। 5B भी डार्कर है, जैसी डार्कर होनी चाहिए एकदम
बेसिकली जानना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया था पेंसिल पे यूज़ करने के लिए, और आप देखेंगे कितना स्मूथली ये ग्रेड आ रहे हैं इसमें। सो ग्रेन्स वर्क करने में तो बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद हमारे अपनी 6B पेंसिल। 6B से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और आप देखेंगे इसमें कि पेंसिल की स्टार्ट करते ही इसकी लेड ब्रेक हो गई थी, तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है आर्टिस्ट के लाइफ में कि आपने नई पेंसिल मंगाई और उसकी 6B या फिर कोई भी पेंसिल हो उसकी लेड ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे मेरी लेड पूरी टूट चुकी है। उसके बाद मैंने इसको शार्प करा 2-3 बार, बल्कि मैंने शार्प करा, और उसके बाद ये थोड़ा सही चले। और 6B की देखा जाए तो 5B से कंपैरिजन में डार्कर है ग्रेड, तो पेंसिल एज सच कोई बुराई नहीं है, पर ये सिर्फ 6B ऐसा हुआ कि मेरे को 3-4 बार शार्प करनी पड़े और ये मेरी हाफ से भी हाफ रह गई है। आप देखेंगे आगे वीडियो। सो ये देखिए कितनी हाफ पेंसिल रह गई है, ज़्यादा ज़्यादा इससे 2 या 3 पोर्ट्रेट निकलेंगे, ये तो काफ़ी गलत बात है। और मैं आपको इसका पेंसिल डस्ट भी दिखाऊंगा, देखिए आप, ये देखिए कितना पेंसिल मेरे को शार्प करनी पड़ी। और ये है इसकी ब्रोकन लेड। सो ठीक है पेंसिल्स, पर 6B अच्छे नहीं है। सो दोस्तों, जैसा हमने इसमें 300 GSM पेपर यूज़ किया था तो टेक्सचर थोड़ा रफ आएगा, लेकिन हमें जैसे बी से 2B तक में बहुत नॉर्मल ज़्यादा फ़र्क हमें मिला नहीं है, लेकिन 3B में हमें थोड़ी पेंसिल में डार्कनेस दिखती है। एंड 3B 4B 5B बहुत ही स्मूथली चली, 6B में थोड़ी दिक्कत आई, और वो दिक्कत ये आई कि उस पेंसिल की लेड टूट रही थी, तो 3-4 बार मैंने जब पेंसिल शार्प करी तब जाके वो लेड नहीं टूटी। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मतलब ठीक रहेगा, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे टॉमबोर मोनो पेंसिल्स इतनी पॉपुलर पेंसिल्स है और उसके साथ मतलब ऐसा होगा। तो 6B से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन 5B में मेरे को पेंसिल अच्छी लगी और मैं नेक्स्ट वीडियो मैं इसे यूज़ करूँगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।